myself Kavita and you are watching my YouTube channel Kavita is here. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 6 जुलाई को UGC द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों गाइडलाइंस के आधार पर CSJMU जैसी कई यूनिवर्सिटीज ने अपना लंबित वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी तक पहुंचेगी छात्रों की आवाज, फाइनल ईयर एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन। नई दिल्ली फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल कराने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। छात्र UGC से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के दौर में एग्जाम को सुसाइड बताकर कैंपेन भी चलाया जा चुका है। अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने की मुहिम शुरू की गई है। जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन JFMEE ने एग्जाम रद्द कराने के लिए ऑनलाइन पिटीशन कैंपेन की शुरुआत की है। change.org पर छात्रों से ऑनलाइन पिटीशन पर साइन कराए जा रहे हैं। 1000 डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद ये पिटीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी और एग्जाम रद्द कराने की मांग की जाएगी। याचिका पिटीशन में कोरोना वायरस के दौर में एग्जाम कराने को लेकर UGC गाइडलाइंस की रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इलॉजिकल बताया गया है। पिटीशन में लिखा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर पर UGC की रिवाइज्ड गाइडलाइंस और मूल्यांकन का जो तरीका बताया गया है वो अतार्किक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के अलावा हाल ही में देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से बिजली जैसी कई समस्या और पैदा हो गई है, जो ऑनलाइन एग्जाम में एक और बड़ी मुश्किल है। नेक्स्ट वन, एग्जाम रद्द कराने का समर्थन करने वाली इस याचिका में ये भी कहा गया है कि फाइनल ईयर के छात्र पहले से ही कई किस्म के औपचारिक मूल्यांकन से गुजर चुके हैं, कुल मूल्यांकन का महज छोटा हिस्सा ही बाकी रह गया है। नेक्स्ट वन, नेता भी कर रहे हैं एग्जाम रद्द करने की मांग। UGC की ये गाइडलाइंस आने के बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों से लेकर नेताओं तक UGC के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एग्जाम रद्द कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एग्जाम का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर एग्जाम कराने के फैसले को चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, इसे देखते हुए UGC को फाइनल ईयर के एग्जाम स्थगित कर देने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस संदर्भ में, इस बारे में आपके क्या विचार बनते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।